हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की स्टूडियो में हम सबको बताने वाली हूँ सूट कमीज़ की स्टिचिंग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने स्लीव्स के पार्ट से शुरू करूँगी। तो स्लीव्स में मैंने जितने हेम को फोल्ड करने के लिए जितने का मार्जिन लिया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोल्ड करूँगी। तो सबसे पहले मैं हाफ इंच की फोल्ड लूँगी, उसके बाद यहाँ पर स्टिचिंग लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं अभी स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे स्टिचिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है और स्टिचिंग करने के बाद मैं और एक हाफ इंच की फ़ोल्ड करूँगी। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो हेमिंग कर सकते हो, आप चाहे तो स्टिचिंग भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहले स्लीव्स को फ़ोल्ड कर लिया है वैसे ही मैंने दूसरे स्लीव्स को भी फ़ोल्ड कर लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि शोल्डर किस तरह से जोड़ना है। तो शोल्डर जोड़ने के लिए आपका जो फ्रंट और बैक साइड का पार्ट है सूट का उसको आपको आमने सामने रखना है, यानी दोनों के फ्रंट साइड को आमने सामने रखना है। और उसके बाद जितने का आपने मार्जिन लिया हुआ है शोल्डर जोड़ने के लिए उसी के अकॉर्डिंग शोल्डर जोड़ेंगे। यहाँ पे मैं हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए शोल्डर जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने सूट का जो शोल्डर है उसको जोड़ दिया है। उसके बाद हम लोग आर्म होल चेक करेंगे। तो आर्म होल चेक करने के लिए सबसे पहले हिप के जो हमने कट लगाए थे दोनों पार्ट्स के उस वो आपके मिलने चाहिए और कमर के भी आपके मिलने चाहिए। उसके बाद ऊपर आप बराबर फैब्रिक करते हुए देखेंगे ऊपर आर्म होल में कोई सा फैब्रिक अगर एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है तो उसको आपको कट कर लेना है। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारी फिटिंग, अगर यहाँ से फैब्रिक ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता है तो हमारा जो फिटिंग है वो भी प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो आपको हमेशा आर्म होल को ज़रूर चेक कर लेना है और फैब्रिक अगर आगे निकल के आ रहा है तो उसको कट कर लेना है। तो जैसे मैंने पहले स्लीव्स में किया वैसे ही मैंने दूसरे स्लीव्स में भी इसको चेक कर लिया है। और अभी मैं जोड़ रही हूँ अपना स्लीव्स। तो स्लीव्स जोड़ने के लिए जो सेंटर पार्ट होते हैं स्लीव्स के और आर्म शोल्डर के वहाँ पे आपको सेंटर में रखना है। उसके बाद जितना का आपने मार्जिन लिया हुआ है स्लीव्स में उसी के अकॉर्डिंग आप स्टिचिंग लोगे। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच की स्टिचिंग ले रही हूँ। तो सबसे पहले बैक साइड के पार्ट को मैं जोड़ रही हूँ स्लीव्स के। और उसके बाद अभी मैं जोड़ रही हूँ स्लीव्स के फ्रंट साइड का पार्ट। तो जैसे यहाँ पे हमने मार्जिन लिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग दूसरी साइड भी हम लोग स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स जोड़ लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। और जैसे मैंने पहले पार्ट के जो स्लीव्स है उसको जोड़ा उसी तरह से उसी प्रोसेस से मैंने दूसरे साइड के जो स्लीव्स है उसको भी जोड़ दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अभी हम लोग करेंगे हमारी जो फिटिंग की सिलाई वो हम करेंगे। तो फिटिंग की सिलाई करने से पहले आपको मार्किंग ज़रूर कर लेनी है क्योंकि सूट में ये बहुत ज़रूरी है, वरना जो फिटिंग है वो प्रॉपर नहीं आती है, टाइट हो जाती है, कभी ढीली बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे स्टिचिंग करने के टाइम आपको बस इस बात का ख्याल रखना कि आपको जो मार्जिन है उसको आपको बराबर से रखना है, जो फैब्रिक होता है किनारे से उसको आपको बराबर से रखना है। ऐसा नहीं कि कोई सा फैब्रिक निकल के आ रहा है तो उसको आप कट कर लोगे, ऐसा नहीं करोगे, वरना उससे बहुत ज़्यादा कभी कभी टाइट भी हो जाती है आपकी सूट। तो इसीलिए आपको बराबर से रखना है फैब्रिक को और स्टिचिंग करते हुए जाना है। और ख़ासकर आपको आर्म होल में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि आर्म होल में अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा जो एक पार्ट है वो निकला हुआ रहता है तो उसको हम लोग कट कर देते हैं, उसके बाद टाइट हो जाता है। तो जितने भी लूजिंग आती है उसको आपको अंदर कर लेना है और फैब्रिक को बराबर ही रखना है। तो यहाँ पे आर्म होल की स्टिचिंग करने के बाद जब बॉडी में आप स्टिच करते हो फिटिंग की तो आपको इस बात का ख्याल रखना है आपके जो कट हमने लगाए थे दोनों पार्ट्स में वो आपके मिलने चाहिए। जैसे यहाँ पे कमर के कट्स आपके मिलने चाहिए और हिप के कट्स आपको मिलने चाहिए। तो यहाँ पे जब हम लोग स्टिचिंग लगाएंगे तो सिर्फ हिप लाइन तक ही स्टिचिंग लगाएंगे, उससे नीचे नहीं उतरेंगे।
तो यहाँ पे मैंने हिप लाइन तक स्टिचिंग लगा ली है, और जैसे मैंने पहले साइड की स्टिचिंग लगाई वैसे ही मैंने दूसरी साइड की भी स्टिचिंग लगा ली है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना चाक मोड़ने से पहले सबसे पहले फैब्रिक को नीचे से बॉटम साइड से देखेंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है तो उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे जो दोनों के पार्ट्स होते हैं सूट के वो कभी कभी किसी बॉटम से निकल आते हैं फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा, तो वो आपको चेक ज़रूर कर लेना है एक बार कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपका कोई बॉटम से बहुत ज़्यादा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, उसके बाद चाक अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग ही मोड़ेंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंच का लिया था तो 1 इंच की ही मोड़ूंगी मैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1/2 इंच मोड़ा और फिर दूसरे और 1/2 इंच की मोड़ दी। उसके बाद यहाँ पर चाक की स्टिचिंग लगाऊंगी मैं। तो चाक की स्टिचिंग लगाने के लिए आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपको चाक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, जितनी भी लूजिंग आती है उसी में आपको उसको अच्छे से सेट कर लेना है, लेकिन खींचना नहीं है। खींचने से ये प्रॉब्लम आती है हमारे चाक में कि हमारा जो चाक होता है वो उलट जाता है, यानी पाल्टी मार लेता है कपड़ा, आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर हिप तक स्टिचिंग लगाने के बाद हिप से सिर्फ हम लोग 1/2 इंच ऊपर स्टिचिंग लगाएंगे, उसके बाद उसी स्टिचिंग को कंटिन्यू करते हुए दूसरी साइड के भी चाक को उसी तरह से मोड़ देंगे। यहाँ पर भी हम लोग बस इसी बात का ख्याल रखेंगे, जो हमें चाक बिल्कुल भी नहीं खींचनी है, आराम से लूजिंग देके रखेंगे, यानी लूजिंग जितनी भी आती है हमारे चाक मोड़ने में उसको आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बल्कि उसी में वहीं पर सेट कर देना है उसको। तो इसी प्रोसेस से हम यहाँ पर दूसरी साइड पे चाक है उसको मोड़ देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले साइड के चाक को मोड़ा है उसी प्रोसेस से मैंने दूसरी साइड के भी चाक जो है उसको मोड़ लेना है। और यहाँ पे मैंने दोनों साइड के जो चाक है उसको मोड़ लिया है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोग अपना करेंगे बॉटम फोल्ड। तो बॉटम में भी मैंने 1 इंच का ही एक्स्ट्रा लिया था तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 1 इंच का ही फोल्ड लूँगी। तो सबसे पहले 1/2 इंच की फोल्ड लेना है, उसके बाद और 1/2 इंच की फोल्ड ले लेना है। और यहाँ पर भी हमें कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से रखना है और यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। आप चाहे तो यहाँ पे बॉटम जो हमारा जो नीचे होता है सूट का बॉटम पार्ट वहाँ पे आप हेमिंग भी कर सकते हो, आप चाक में भी हेमिंग कर सकते हो इजीली, यानी तुरपाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो एक साइड का जो बॉटम है उसको मैंने फोल्ड कर दिया है और स्टिचिंग भी लगा दी है। तो दूसरी साइड के भी हम लोग फोल्ड करेंगे, तो उससे पहले हम लोग इस तरह से बराबर करेंगे और जो हमने पहले साइड का जो बॉटम फोल्ड किया है उसी वहाँ पे जितना लेंथ आता है उसका वहाँ पे मार्क लगा देंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा ज़्यादा कपड़ा आ जाता है दूसरे साइड में, तो उसी अगर एक्स्ट्रा आता है 1 इंच से जितना आपने मार्जिन लिया है उसके उससे अगर एक्स्ट्रा आता है तो एक्स्ट्रा को कट कर लेना है और मार्जिन ही आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पर भी मैं 1 इंच की फोल्ड लूँगी और स्टिचिंग लगा दूँगी। तो यहाँ पर भी वही आपका प्रोसेस रहेगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, फैब्रिक को बराबर से रखना है, आराम से रखना है। तो यहाँ पे दूसरी साइड की जो बॉटम है वो हमने फोल्ड कर लिया है और स्टिचिंग लगा ली है। अब हम लोग करेंगे अपने साइड सॉरी जो हमारी जो चाक है सिल्क जो है उसको हम लोग फिनिशिंग देंगे। तो फिनिशिंग देने के लिए हमें किनारे में लगानी होती है स्टिचिंग। तो स्टिचिंग जब किनारे में लगाएंगे तो हमारा जो हम आगे में जो कपड़ा निकल के आता है वहाँ पे हम लोग दबा के रखेंगे। इससे अगर आपका चाक कहीं से मुड़ रहा होता है हल्का सा भी तो उसमें एक अच्छी सी फिनिशिंग आती है और आपको लगता नहीं है कि आपका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। तो इसी तरह से आपको पूरी जो चाक में है दबा के स्टिचिंग लगा लेनी है, जैसे आप लोग मुझे करते हुए देख रहे हो। तो यहाँ पे हिप लाइन में आते हुए आपको सुई को अंदर ही रखना है, उसके बाद दूसरी साइड भी आपको इसी
तरह से आगे दबाते हुए आपको स्टिचिंग लगा लेनी है। आगे से मेरा मतलब है फ्रेंड्स, जहाँ से हम लोग का कपड़ा निकल के आ रहा है, यानी कपड़ा निकल रहा है ना, काफ़ी लोग सोचेंगे कि इस तरफ आगे के उस तरफ, तो कंफ्यूज मत होइए प्लीज़। तो अभी मैं बॉटम में भी उसी तरह से कर रही हूँ। जो प्रोफेशनल टेलर होते हैं वो इसी तरह से करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग स्टिचिंग करने के लिए देते हो तो उसमें थोड़े थोड़े रिंकल्स आए हुए रहते हैं, तो इसी वजह से आता है। इस तरह से दबा के जो किनारे की स्टिचिंग होती है, अगर आप लगाते हैं तो इस तरह से रिंकल्स आते हैं और वो एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है आपके चाक में। तो इसीलिए आपको इसी तरह से इसी प्रोसेस को करते हुए पूरे चाक को मोड़ देना है, सॉरी स्टिचिंग लगा देनी है। तो यहाँ पे हमारी जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी फिनिशिंग हम दे चुके हैं चाक में। और अभी ये इस तरह से लगेगा तो हमारे जो चाक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, यानी सूट की जो स्टिचिंग है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो आज मैंने आपको बताया कि सूट की स्टिचिंग आपको किस तरह से करनी है, नेक की फिनिशिंग मैं बाद में करूँगी। तो बहुत ही ईजी है सूट की स्टिचिंग करना, बहुत कम टाइम लगता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।